गुड मॉर्निंग फॉर क्लास क्लास है। आज इस समय आपका जो पीरियड चल रहा है वो ड्राइंग का है, ठीक है। ड्राइंग में पेज नंबर 4 पर आपको जो आया है बनाने के लिए पेंसिल ग्रीन आर्ट, ठीक है। इसमें केवल पेंसिल का प्रयोग करेंगे। इन्होंने कहा है कट द स्टेंसिल ऑफ द गिवन शेप। जो ये शेप है ये बाजार में गत्ते के जो होता है उसके ऊपर बाजार में प्राप्त होती है। प्लेस इट ऑन अनदर शीट देन रब पेंसिल लीड पाउडर विद द हेल्प ऑफ कॉटन केयरफुली टू ड्रा दिस फ्लावर। जो पेंसिल की आगे की आप जब शार्प करते हैं पेंसिल, उस पर जो आगे का भाग निकलता है यानी चूरा चूरा करके पेंसिल का वो निकलती है ना आपकी लीड सी, तो उसके द्वारा आपको कॉटन से इसके अंदर कार्य करना है। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। आप पहले फ्लावर पे देख मान लेंगे कैसे वाला करेंगे। इसका फ्लावर आपको इस तरह से बनाएंगे ना, इस तरह से फ्लावर है आपका जो सप्लाई है आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। आपने इस तरह से फ्लावर बनाना है एक पेज पे, फ्लावर ड्रॉ करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ बेटा, आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे देखिए। देखिए आपने पहले एक पेपर पे ये वाला फ्लावर ऐसे ही बिल्कुल बना लेना है, ठीक है। आपने ड्रॉ करा आपका पेपर पे ये फ्लावर बन गया है। उसके बाद बेटा सीजर से या ब्लेड की सहायता से, इन दोनों की सहायता से आपको, क्योंकि इसमें आपको सामान क्या क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद कॉटन पेंसिल इरेजर शॉर्पनर सीजर ये आप सब चीज़ें आपको चाहिए। आपने पहले एक पेपर पे फ्लावर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपकी ये वाली जो शीट है इसी को बेटा आपने इस पे भी करना है, और जो आपकी ड्राइंग की बुक नोटबुक आई है ना जिसपे आप बनाते हैं ड्रॉ करते हैं आपको उस पे भी बनाना है। तो आपने फिर क्या करना है, जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे इसकी कटिंग करेंगे बेटा, इसकी आपने फ्लावर की कटिंग करनी है। सीजर से हो जाए तो सीजर से, नहीं तो इसको आप ब्लेड की सहायता से भी इस तरह से रख के कर सकते हैं। इस तरह से एक एक लीव इसकी अलग अलग कर लेंगे ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी, तो आपका ये इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। जब आप इसको रखेंगे तो पहले जो कटिंग करा हुआ है पेपर, इसको गोले को फूल वाले को कट के हमारा अलग हो गया है, इसको रखेंगे। जो पेंसिल है इसको आप इस तरह से शार्प कर लीजिए, देखिए ये लीड निकल कर आ गई। इसकी पेंसिल की जो लीड थी ये निकल कर आ गई ना। आपने कॉटन ली, इस फ्लावर को आपने ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से आपने इसमें कॉटन में इसको ले लिया, ठीक। कॉटन में लेने के बाद इस पर आपने इस तरह से करा, और आप इस तरह से इसको बिल्कुल सर्किल के अंदर ही ओनली करेंगे। इस तरह से आपने कर लिया, ये आपका हो गया। फिर आपने इसको जो फ्लावर था इसको हटा देंगे। फिर आपने ये जो वाला ये जो फ्लावर है आपका इसको बिल्कुल सेंटर में ऐसे ही रखेंगे,
देखिए ये सेंटर में सर्किल आ गया है आपका, फिर आप पेंसिल की नीड लेंगे, वो गिर गई देखिए, फिर आपने पेंसिल की नीड ली, आप इसको फिर से लेंगे ऐसे ही, और आप इसको फिर से ऐसे ही रख के और ऐसे ही करेंगे इसके, आप इसके सारे पार्ट्स को बेटा ऐसे ही करेंगे आप जितने भी हैं। देखिए पेंसिल की लीड की ही जरूरत पड़ती है बेटा इसके अंदर, इस तरह से ही आप करेंगे सब। आप इस तरह से ही इसको लेते रहेंगे और करते रहेंगे, ठीक है बेटा? आ रहा है समझ में आपको? ये देखिए आपने सब में ही ऐसे करके करना है, इसमें कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट इस तरह से होगा। जब ये आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने इसको इस तरह से पेंसिल लेके इसको डार्क डार्क भी कर देना है, ठीक है बेटा? इस तरह से आपने कर देना है, इससे आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक बेटा, तो आपने इसको इसी तरह से कंप्लीट करना है, आपको ड्राइंग पे भी कंप्लीट करना है और ड्राइंग शीट पे भी आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए, लेकिन सीजर से कभी उंगली वगैरह नहीं काटेंगे, बहुत ध्यान से आप अपने कार्य को करेंगे। थैंक यू बेटा।